वर्तमान में फिलीपींस में एमडी की पढ़ाई कर रहे हजारों भारतीय छात्रों का करियर नेशनल मेडिकल कमीशन की 25 मार्च 2022 के एक नोटिफिकेशन के कारण प्रभावित हो रहा है। इसके विरोध में बड़ी संख्या में अभिभावक जंतर मंतर पर गुरुवार को प्रदर्शन करने आए। अभिभावकों का कहना है कि इस मामले में जल्द से जल्द भारत सरकार संज्ञान ले और 25 मार्च 2022 का नोटिफिकेशन वापस ले। यह नोटिफिकेशन न केवल छात्रों के कोर्स की अवधि बढ़ाता है बल्कि अभिभावकों को प्रतिवर्ष लगभग लाखों का अतिरिक्त खर्च भी डालता है। प्रदर्शनकारी एक अभिभावक का कहना है कि फिलीपींस की मेडिकल डिग्री को भारत में MBBS की समकक्ष माना गया है। जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन के बाद अभिभावक नेशनल मेडिकल काउंसिल के बाहर भी विरोध प्रदर्शन करने आए। अभिभावकों का कहना है कि अधिकांश अभिभावकों ने अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए लोन लिया है। 25 मार्च 2022 के नोटिफिकेशन से उन पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ बढ़ रहा है। नेशनल मेडिकल काउंसिल के नए मानदंडों से पीड़ित माता पिता ने PMO कार्यालय और तमाम भारतीय अधिकारियों से गुहार लगाई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री माननीय मनसुख मंडाविया, केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉक्टर भारती पवार के अलावा पीड़ित माता पिता ने व्यक्तिगत रूप से नितिन जी गडकरी से भी अपील की और क्या कुछ कहा, आइए सुनाते इस रिपोर्ट में। दिल्ली से BCN न्यूज के लिए ब्रजेश कुमार की रिपोर्ट।